व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ वेरी वन बैन अल्फा। और अभी हम निकल गए हैं एक छोटा सा शूट करना है। पहले हम दास भाई की शॉप पे आए थे, अभी थोड़ा फ्यूल अप करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे डायरेक्टली। मैक्स मॉड लेंस ले लेना चाहिए, मैक्स मॉड लेंस के साथ ये और वाइड हो जाएगा आई थिंक। उससे थोड़ी स्टेबलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। निकल गए हैं एक दिन और बिना गुड़ी को एक्सप्लोर करने। अभी हम जाएंगे, अभी हम एडी को मिलेंगे। एडी सिलीगुड़ी से बहुत टाइम बाद आ रहा है। जो जो आदित्य को नहीं जानते, आदित्य हमारे साथ, मतलब हम रहते आदित्य के पास गए थे सिलीगुड़ी में, उसके घर पे गए थे। उसके बाद हमने सुपर स्पोर्ट की डिलीवरी ली थी। अभी एडी वापस आ रहा है तो एडी के साथ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे चिल करेंगे। और ये लब तो है जिसका 365 एंड माउंटेन्स वाला पेज है, सो मोटो व्लॉगर। तो जिन जिन ने उसका व्लॉग नहीं देखा, जाके भाई को सपोर्ट करो भाई। यही होता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी ऊपर उठोगे। ऐसे तुम अकेले 100K पे बोल बोल के ऊपर नहीं उठ सकते। ये थे, मुझे नहीं पता कि ये देखो हर जगह के छपरी, ये यहाँ के छपरी हमारे पास, वहाँ के छपरी। मेरी कल अभिषेक से बात हो रही थी और हमदा भी था साथ में, तो दोनों भाई कह रहे हैं कि मिस कर रहे हैं, एक लंबी राइड साथ में करते हैं। मैंने कहा भाई बहुत जल्दी दो इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे, अभी एक भी नहीं दो करेंगे। एक हम नेपाल जाएंगे और दूसरा हम भूटान जाएंगे। तो वहाँ से बहुत लोग हमें बुला भी रहे हैं, सौरभ के बहुत यार दोस्त हैं वहाँ पे जो कह रहे हैं कि आओ बहन भैया को लेके आओ। तो एक ये दो इंटरनेशनल ट्रिप बहुत जल्दी करेंगे और फिर देखो, आपस देखते रहो। आपको लोगों के लिए तो कॉन्टेंट बना रहे हैं हम, बढ़िया बढ़िया लेके जाएंगे आपको, जगह दिखाएंगे। लगता है गलियों में घुसाना रिस्क है, बट जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, जैसे कहते हैं कि शॉर्टकट लेने की आदत, कि भाई इस रूट से हमारे 20-30 किलोमीटर कट जाएंगे तो क्यों नहीं। तो बिल्कुल टी गार्डन के बीच में से होते हुए, ये आसपास सारा टी गार्डन है, यहाँ पे चाय निकाल रहे हैं वो सब, देखो कितना बढ़िया लग रहा। तो अभी टी प्लकिंग हो रही है यहाँ पे, और वाह, जो आप रोज़ सुबह उठ के चाय की चुस्कियाँ लेते तो ऐसे मेहनत होती है यहाँ पे, तब जाके आप आवाज़ें निकालता चाय पीने के बाद। क्या बोला तूने? तो भाई ये ब्यूटीफुल सीनरी। हम दोनों के बाद इंटरकॉम नहीं है तो हम बात नहीं कर पा रहे, आगे जाके पूछेंगे। भाई ये देखो चाय के बगान, वाह चाय, वाह ताज। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये वाले प्लग कर लिए तो आप देख सकते हैं थोड़े सूख से गए हैं, और वहाँ वाले लश ग्रीन थे, बिकॉज अभी भी उनमें चाय की पत्तियों की क्या बोलते हैं, समझ जाओ। चाय से तो प्यार ही इतना है भाई, जो जो चाय लवर है कमेंट सेक्शन में चाय 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 कमेंट कर दो बस। इस बार हम कमेंट का वो रखते हैं, एम रखते हैं 200, ज़्यादा नहीं, गरीब लोग हैं हम, 200 कमेंट रखेंगे कि भाई 200 कमेंट करना है और 500 लाइक कर दो बस। तो ये हर वीडियो में हम एक छोटा छोटा माइलस्टोन रखेंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। देखो अब 200 कमेंट कुछ नहीं, एक बंदा भी तीन बार कमेंट करे तो 300 कमेंट तो ऐसे हो जाते हैं, पर अभी हम उस लेवल पे नहीं आए कि हमारे बोलने पे हमारी पब्लिक इतना काम करे। पर चलो 200 कमेंट तो करा ही दो, 200 तो चलो बड़ी चीज़ नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई ऐसा गैराज पूरे इंडिया में किसी ब्लॉगर का नहीं होगा जैसा गैराज हम बनाएंगे अभी फ्यूचर में। बस आप लोग साथ दो और देखो, आप लोग साथ कम भी दोगे तब भी हम बनाएंगे, बट आप लोगों का साथ रहेगा तो मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा और जल्दी अचीव कर सकते हैं। और आप लोग साथ नहीं दोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा अचीव करने के, बट करेंगे ज़रूर। अरे यार अगर ये ट्रेन चल रही होती तो आज तो मैं हरा देता इसको। ऐसी रोड, मैं नहीं जा रहा हूँ।
खतरनाक सा भाई, और ऐसी ज़बरदस्त टूरर बना रखी है ना भाई ने, कहीं भी ले जाओ कहीं भी उठा लो। और ये हमारी धन्नो पूरा शाइन शून लगाया था, ये मुझे लग रहा पता नहीं क्या क्या बारिश की, अच्छा वो उसकी वजह से ऐसा हो गया भाई। अभी ये टैंक ग्रिप चेंज करेंगे, ये उतर रही है यहाँ से गर्मी की वजह से ना, चेंज करके ईजी ग्रिप वाली बढ़िया वाली लगाएंगे जिससे बढ़िया से अटक जाए। अरे हाँ, आस पास दोनों तरफ जंगली जानवर रहते हैं भाई। अच्छा यही नहीं, अभी और सुनिए, जंगली जानवर, और वो कहते होंगे कि इस रोड के बीच से जंगली इंसान जा रहे हैं। वाह, मैं नहीं मानता। वैसा ही है, V4S। कहाँ जा रहे हो? जहाँ भाई ले जाए। ओके, हम मार्केट में आ रहे थे, आगे मार्केट पे चलते हैं, इधर और नेटवर्क नहीं मिल रहा, फिर वापस आएंगे। हाँ, यहाँ से राइट लेना है शायद, और ये मार्केट एरिया, लोग दुकानों से निकल के बाहर आ गए। ये तो सोती सोती गलियां हैं, सोती सोती गलियां हैं। क्या बोला तूने? पर ऐसे रास्ते जहाँ जाते हैं ना, वो जगह बहुत सुंदर होती है। तो भाई ने जैसे ही बोला, हमने आंख बंद करके बोला चलो। ऐसे रोड पे अभी लीन नहीं करना चाहता जिसके बारे में मैं जानता नहीं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग ऑन सच रोड। क्या तो गाइस यहाँ पे आए हम शूट के लिए, ये देखो लग गई, अभी आगे चलते हैं। वो देखो दूर एक GSA भी रुकी हुई है। ऐसे हम एक शूट के लिए अंदर गए थे, सौरभ भाई लेके गए थे, यहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि हमें यहाँ से जाना, इतनी कितनी इकट्ठी हो गई, कोई यूके टाइप तो भीड़ इकट्ठी हुई नहीं, पर फिर भी 5-6 लोग हो गए थे यहाँ, जगह कम पड़ रही थी। भाई ने बोला आगे निकल जाओ, मैं ओके रोज शूट करके। तो ज्यादा दूर गए ही नहीं यार, ये तो फाटक फिर से आ गया, बहुत पास थे हम तो। बेटा मन में लड्डू फूटा। अरे भाई ये देखो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ये रही हमारी दुकाती V4S, और गुवाहाटी का रास्ता ये है खुला जंगल, जाओ करो इसमें मंगल। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं।